नाम आरव है। मैं स्प्रिंगडेल स्कूल में हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरा सफर, एक क्रिकेटर का सफर। मेरा एक दोस्त गौरव था, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। ऐसा कोई मैच नहीं था जिसमें उसने 100 नहीं स्कोर किया होता। जब भी कोई टूर्नामेंट या मैच होता, हम दोनों हमेशा हमारे स्कूल को जिताते और गौरव हमेशा सबसे ज्यादा रन बनाता था। हमने बहुत प्रैक्टिस की और स्कूल में क्रिकेट खेला, कॉलेज में क्रिकेट खेला और फिर हम एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम के ट्रायल में सिलेक्ट हो गए। उस दिन हम इतने खुश थे कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारे बचपन से लेके सपना था इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का। आज गौरव प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत। अरे वाह, सारे अच्छे शॉट। अरे वाह, छक्का। अरे वाह, इतना अच्छा शॉट था। अरे वाह, आउट हो गया इसमें तो। अरे वाह, छक्का। अरे वाह, छक्का। एक और छक्का। आज तो सारे छक्के मारे जा रहे, क्या हो गया आज? अरे वाह, एक और छक्का। नहीं, इसमें आउट हो गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हमारे क्रिकेट के ट्रायल मैचेस शुरू हो गए और मेरे सारे मैच अच्छे जा रहे थे, पर गौरव आउट हो रहा था बहुत मैचेस में। क्या हुआ गौरव, आजकल तू इतना आउट क्यों हो रहा है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जा पाऊंगा। अरे तू फिक्र मत कर, जैसे मैं तुझे पहले प्रैक्टिस कराता था वैसे अब भी प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंच पाऊंगा। अरे तू छोड़ उसे, जैसे मैं तुझे प्रैक्टिस कराऊंगा और हम इंडियन क्रिकेट टीम में साथ में खेलेंगे। और फिर हमने बहुत मेहनत करी और हम दोनों इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हो गए और हमारा नाम इंडियन क्रिकेट टीम में लिखा गया। ये तो कहानी मेरे बारे में थी, जिसके अंदर मैंने अपने दोस्त गौरव की मदद की। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैंने अपने दोस्त की मदद की थी और आपको भी मदद करनी चाहिए अपने दोस्तों की। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।